अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. दिस इज माई फर्स्ट व्लॉग फ्रॉम द बेड. लिटरली आई वॉन्टेड टू गो टू द जिम जो कि बिल्कुल नीचे ही है, बट कोई हिम्मत नहीं थी. एंड अब नाउ दैट आई एम टेलिंग यू गाइस दैट आई वॉन्ट गो टू द जिम, जस्ट वॉशिंग माई फेस, पुट सम सन ब्लॉक एंड गो टू द जिम स्ट्रेट अवे. सो आई थिंक आई शुड मीट. जिम के लिए शूज पहनना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम होता है. प्लीज लेट मी नो इफ आई एम नॉट द ओनली वन जिसको ये काम बहुत मुश्किल लगता है. जिम हमारा 11 बजे बंद हो जाता है और अभी 10:30 हो रहे हैं और एकदम मुझे ख्याल आया, पहले मैं इतनी सुस्त हो रही थी एंड आई वाज फीलिंग सो लो. सो जो हम देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे वीडियोस होती हैं, एवरीबडी इज लाइक यू नो गोइंग टू द जिम रियली हैप्पी, प्रॉपर कपड़े पहने हुए. उस तरह से जब मैं करने का सोचती हूँ कि मैं एक हैप्पी जोन में होंगी तभी जिम जाऊँगी, नहीं हो सकता गाइस. इवन दबाते हैं तो वो तो नहीं हो सकता. सो अनदर थिंग इज व्हेनेवर यू आर फीलिंग लो जस्ट वर्कआउट. और यही मैं कोशिश कर रही हूँ करने की लाइफ में कि जब भी मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, जो कि हम सब करते हैं एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल, इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल. व्हाइल अदर्स लुक एट आवर लाइव्स एंड थिंक कि हमारे पास पता नहीं क्या क्या है, सब कुछ है जो उनके पास नहीं है, मीनवाइल वी आर ओवर थिंकिंग About anything and everything. चलो चलो चलो, let's go. कल रात में मैं गई थी तो ट्रेडमिल जो है वो ऑक्यूपाइड थी. एवरीथिंग वॉज लाइक ऑक्यूपाइड, आई कुडंट डू एनीथिंग. सो यहाँ पे लू है, दिस इज द जिम एंड यहाँ पे पूल है. Let's go. ये है ये खूबसूरत व्यू जो कि हमें मिलता है वाइल वी आर ऑन आवर ट्रेडमिल. सो आई हैव दिस फनी एक्सप्रेशन गोइंग ऑन बिकॉज मेरे राइट पे और लेफ्ट पे सब कोई 10 की स्पीड से ट्रेडमिल यूज़ कर रहे हैं और मैं यहाँ पे अपनी ईजी ब्रीजी वॉक करने आई हुई हूँ. बट यार फिर आप अपने आप को लेक्चर देते हैं जो मैंने भी दिया कि आप कंपेयर ना करें, कॉम्पिटिशन नहीं है, अपने आप से कॉम्पिटिशन है, जितना कर सकते हैं जैसा कर सकते हैं तारे से ना. जब भी मैं ट्रेडमिल करके फ्री होती हूँ लाइक 20-30 मिनट्स, मुझे इतने जैसे ही मैं उसको रोकती हूँ इतने चक्कर आते हैं एंड आई डोंट नो इफ इट्स नॉर्मल और नॉट. सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट नाउ आई एम गोइंग अपस्टेयर्स बिकॉज आई एम डन एंड डस्टेड. 11 बज गए थे, नोबडी वाज लीविंग बट आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू बी आस्क्ड. हाय, हाय यार, इन लॉट ऑफ टाइम्स आई थिंक के No, I'm not wearing like proper gym attire, which I have, but it's an effort to like put everything on. So I was like, okay, whatever I'm wearing, I'm just going like this. Of course, like wearing some supportive things. अच्छा नहीं नहीं नहीं, first things first, shoes यहाँ उतरेंगे ताकि ज़रा सफाई में मिस लेना हो और यहाँ चले जाएंगे shoe rack में. Meanwhile, मेरी हर एक story के बाद आपको दिखेगा कि स्नोवेल क्या कर रही है. तो स्नोई जो है वो बैठ के आराम फरमा रही हैं. स्नोई आप ठीक हैं जानू, ऑल गुड इन योर लाइफ? हाँ, स्नोई ने फुल डीवा पोज बना के मामा का प्यार व्यार लेके बहुत सेटिस्फाइड होके अब ये चिल कर रही है मैडम और मैं जाऊँगी शावर लेने. स्नोवेल बाहर रो रही है, मैं जा रही अंदर. ओके ओके ओके. कमरे में जाना है आपको. टाटा, बाय बाय. वापस क्यों आ गई? मैं भी जाऊं साथ में? हाँ, आप बहुत क्यूट हो, आप बहुत क्यूट हो जानू. आई एग्री. और पहले मामा आपकी चाय बनाएगी और फिर मामा जाएगी. मामा का वेट हो रहा है कि मामा जल्दी से आए, हम साथ में कमरे में जाएं. पर पहले मामा चाय बनाएगी. चाय मेरी बन गई है, मैं जा रही हूँ रूम में और अब ये टिटू जिस चीज़ का वेट कर रही थी वो हो रहा है. मैं रूम में जा रही हूँ. आ जाए. अब चल रही है फुल वॉल्यूम में पर्रिंग एंड आई हैड नेवर हैड एनी पेट्स इन माय लाइफ. और जो ऑक्सीटोसिन ये आपको देते हैं इतना प्यार करके, वो आपको दुनिया में कोई और चीज़ नहीं दे सकती. सो लाइक लॉट ऑफ कैट पीपल से दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव माय कैट, सेम.
मेरे पेरेंट्स ने आज आना है, एंड अमूमन ये होता है कि वो आते हैं और लाइक प्लान बन रहा होता है, वो कहते हैं कि नहीं, एंड मोमेंट पे समथिंग हैपेंस, सो दे जस्ट कन्फर्म दैट दे लेफ्ट द हाउस, और उनको मेरे घर पहुँचने में एक घंटा लगता है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. मेरे दो हेल्पर्स हैं, नसीब और हमज़ा. नसीब कुक्स एंड हमज़ा जस्ट हेल्प्स. और नसीब कल संडे को छुट्टी पे गया था और अभी तक नहीं आया, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती. मुझे खाना बनाना है, लाइक सब कुछ पहले से करके रखना है, एक चीज़ भी नहीं हुई हुई है, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है. एंड आई जस्ट वॉन्ट कि मेरे पास ये जो एक घंटा है इसमें मैं जल्दी जल्दी से काम स्टार्ट करूँ, सो दैट वेन माई पेरेंट्स कम आई कैन यू नो चिल आउट विद दैम, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा ऐसा. बट जल्दी जल्दी से मुझे खाना बनाना तैयार करना है. माई मॉम कैन नॉट हैंडल स्पाइस, तो मैं उनके लिए बगैर स्पाइसी खाना बनाऊँगी. डैड के लिए कुछ और बनाऊँगी. आई डोंट वॉन्ट दिस टाइम कि मैं बाहर से मंगवाऊँ, बिकॉज यू नो कंट्रोलिंग माई बजट नाउ डेज. सो या मैन, लेट्स जस्ट गो टू किचन एंड फाइंड आउट कि जल्दी जल्दी से क्या बन सकता है. कुछ चीज़ें मैंने भिगोई हुई हैं, लेट मी शो यू. जब भी कभी आपको देसी खाना बनाएं और आपको बहुत जल्दी हो, तो सबसे पहले मैं प्याज को छीलती काटती हूँ, लिटरली मुँह धोने से भी पहले, कुछ भी करने से पहले, बिकॉज इट टेक्स लाइक अ लॉट ऑफ टाइम. एंड फिर प्याज वो पकने में रख देती हूँ, बिकॉज यू नो टाइम लगता है. उसके बाद फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छा अब करना क्या है. ये मैंने बहुत जल्दी प्याज काट के पकने के लिए रखे हैं. इसमें ये कीमा जाएगा, एक बगैर मिर्चों वाला बनेगा, एक मिर्चों के साथ बनेगा. देन ये तिक्के हैं, ये अभी डीफ्रॉस्ट भी सही से नहीं हुए, इनको मैंने मसाला लगाना है. एक पे मिर्चों वाला, एक पे बगैर मिर्चों वाला. लेट मी शो यू. ये प्याज हो गए हैं, जितने मुझे गोल्डन ब्राउन करने थे उतने. अब मैं ये भर के दो खाने के चमचे गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी, फिर इस कीमा थोड़ा ज़्यादा. कीमा बनाने के लिए हमेशा मैं टमाटरों को बड़ा बड़ा काटती हूँ. जितना बड़ा आप काटेंगे उतने ही जल्दी वो गलेंगे. छोटे छोटे चॉप टमाटरों को बहुत टाइम लगता है गलने में. डाल रही हूँ सारा कीमा जो कि डीफ्रॉस्ट नहीं हुआ हुआ, ये अभी इसी में होगा. ये मैंने इसमें ऐड कर दिया नमक. एक घंटे का टाइम है, मुझे सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से करनी है ख़त्म. मैंने इसमें धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर एक ही खाने का चमचा डाल दिया, और तो मैं डालती नहीं हूँ कीमे में, मगर बगैर मिर्चों के बगैर गर्म मसाले की कीमा बनाना चैलेंज तो इसलिए मैंने डाला. अभी ये सिचुएशन है कि कीमा जो है वो एक साइड से डी सॉफ्ट नहीं हुआ हुआ, एक साइड से हुआ हुआ. अभी मैं इसको घूमती रहूँगी. यहाँ पर हमने एक और जो है वो फ्लेम ऑन किया है. पुलाव की, चना पुलाव की तैयारी हो रही है. प्याज, सारे गर्म मसाले, और इसमें ऑयल डलेगा. इसको मैं पकाऊंगी, इसमें मैं फिर चने डालूंगी या नमक डालूंगी इसको पकने के लिए, पानी डाल के पकने के लिए. मैं ये चना पुलाव के लिए प्याज अनइवन इसलिए हुए हैं बिकॉज़ ये वाला स्टोव है तो ऐसा ही हो सकता है. अब मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, चने, पानी और नमक. यार अभी मैंने कीमा चखा विदाउट मिर्च एंड गरम मसाला, था मज़े का है. इसमें मैं आखिर में अभी मैं इसको ना कीमे को खाती हूँ अलग अलग कर दूंगी, मिर्चों वाला अलग, बगैर मिर्चों वाला अलग, और अदरक डालूंगी बिल्कुल आखिर. अब ये चावल जा रहे हैं चने और पानी में, क्योंकि खोल गया है पानी. सही से मैं करूँगी और ढक्कन लगा दूँगी, चावलों को भी अंदर ऐड करके ढक्कन लगा. मुझे पर्सनली लू केवरा बहुत पसंद है चने वाले चावल में, मेरी मॉम डैड कितना नहीं पसंद. मैं थोड़ा सा डाल स्पाइसी बना रही हूँ, मैं कुछ मिला कुछ गर्म मसाला पाउडर, हरी मिर्च डाल दी है उसमें. मीन वाइल ज़ीरा पाउडर, आलू, नमक, नींबू का जूस और पुदीना. मेरे पास धनिया नहीं था, वरना मैं धनिया भी डाल देती, इसके कबाब बनेंगे. एक तिक्का जो है वो बगैर मिर्चों वाला बनाऊंगी. इसमें मैंने लिया है हाफ कप दूध एक तिक्के के लिए, 1 tablespoon ऑफ क्रीम, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक और हल्का सा क्रश्ड जिंजर भी मैं ऐड करूंगी, और कोयले का दम लगाऊंगी, तो बिल्कुल बगैर मिर्चों वाला तिक्का बने. एंड लेमन जूस. ये एक तिक्के के हिस्से का नमक. मीनवाइल दो तिक्के मैं स्पाइसी बना रही हूँ, लाल मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट, दूध, क्रीम, ये सब मैंने ऐड किया है. बाद में कोयले का दम मिलेगा. थैंक यू. अब आप मुझे धो के चॉकलेट. कहाँ लेके जा रहे थे? वीडियो मैं बना रही हूँ, मॉम जा रही है, मॉम को वो वहाँ से स्नोबेल फॉलो करना शुरू हुई थी. ठीक है, मैं आपके पिक्चर ठीक है जी. स्नोई आप क्या देख रही हैं? आ जाए.
अब हमने खाना खा लिया है, चिलिंग चिलिंग होगी, डैड वहाँ पे चिलिंग कर रहे हैं, ये मेरा रूम है, आ जाए। या आप ही जीजू इसी रूम में तो रुके थे, आप बग बेड पे नहीं? हम अभी नैप लेके उठे हैं मॉम डैड और मैं, और अब शाम की चाय के साथ पकौड़े बनाने लगे हैं, दो किस्म के, मिर्चों वाले बगैर मिर्चों वाले। सो दिस इज बगैर मिर्चों वाले, इसमें सिर्फ मैं सॉल्ट ऐड करूँगी एंड सॉल्ट, पानी, बेसन एंड हरा धनिया, और इनमें ये तो शाम में भेजा हुआ था, सो ये मैं एज इट इज़ इस्तेमाल करूँगी फॉर लाइक स्पाइसी पकौड़ेस। बेकिंग पाउडर। ओके, पेरेंट्स मेरे जा चुके हैं एंड आई एम फीलिंग रियली सैड एंड लो, सो स्नोबेल की थेरेपी लूंगी अभी मैं। नाउ आई नीड यू। Our hearts beat to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher.